चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है, नई यूनिट है ना, दो यूनिट हो चुकी है, 4-5 ये है अपनी 6 यूनिट। ठीक है, इस यूनिट से एक क्वेश्चन आपको आना है 4 नंबर का, ठीक है, और शायद दो ऑब्जेक्टिव है ना, एक ऑब्जेक्टिव है एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपना 4 नंबर का है और एक ऑब्जेक्टिव आना है, यूनिट 6। इसका नाम है आपका डिटरमिनेंट, क्या है, डिटरमिनेंट हिंदी में सारांश। बहुत सिंपल चैप्टर है, भी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो डिटरमिनेंट यानी कि सारणी। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक है, फॉर्मूले वगैरह एक दो नहीं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले में आपको बताएगा सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक तो आपका है सेकंड यानी कि को फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं को फैक्टर हिंदी बोलते हैं सेकंड। फॉर्मूला है CIJ इक्वल टू -1 की पावर i+j इंटू MIJ। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, दो है ना, सिर्फ दो फॉर्मूला है इसमें, एक सेकंड में हम को फैक्टर निकालते हैं सेकंड हिंदी, CIJ इक्वल टू -1 की पावर i+j इंटू MIJ। ठीक है, और एक आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आप 11 में पढ़ के आए होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 s3 y3 1। ठीक है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसके ना, x1 y1 1 s2 y2 1 s3 y3 1। ठीक है, और वैसे चाहो तो ये आपने इस फॉर्म, आपने इस फॉर्म, ये आपका डिटरमिनेंट फॉर्म है, आपने ये पढ़ा होगा x1। तो याद करने का तरीका बताऊंगा, x y-y प्लस x y-y प्लस x y-y। ठीक है, अब लगा 1 2 3 2 3 1 और 3 2 1 3 2 1 यानी कि ये बन गया फॉर्मूला आपका x1 y2 -y3 प्लस s2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y1। ठीक है, चलिए तो ये दो फॉर्मूले आपके इसमें हैं, एक तो कौन सा है सेकंड का कोफैक्टर का है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। अब आपसे पूछते हैं प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि बताइए बिंदु समरेख है, समरेख मतलब क्या होता है एक रेखा में, है ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या होता है एक रेखा में, हम क्या करते हैं आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर वो जीरो आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि सिंपल सी बात है, आप तीन पॉइंट है अगर उनसे ट्राइंगल नहीं बनता, क्या नहीं बनता, ट्राइंगल, ट्राइंगल कब नहीं बनेगा जब तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा जीरो। और लिनियर क्या होती है, एक लाइन में पॉइंटों का एक लाइन में होना क्या होता है लिनियर, और जब पॉइंट एक लाइन में है मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, यानी एरिया क्या होगा जीरो। तो आप एरिया निकालो, क्या निकालो एरिया, अगर एरिया जीरो आता है देन पॉइंट एक लाइन में है, मतलब कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस भाई ये तो आपके 11th का पोर्शन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 11th पढ़ा हुआ है, इसी इसमें दिया हुआ है यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्मेशन का, सो करते हैं यूनिट डिटरमिनेंट, ठीक है, यूनिट 6। ओके, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दी, आप सुनना अच्छे से। सबसे पहले इसको हम दो सीधी लाइन डिनोट करते हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन जो रहते हैं इससे डिनोट करते हैं, मैं तो इसको मैं कर दिया था इससे डिनोट किया था ना, ये भी रहते थे अलग अलग इसका यूज था आपका। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये आपका है डिटरमिनेंट का, ठीक है, इसको डेल्टा या डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी फॉर डिटरमिनेंट या डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, दो सीधी लाइन होती है, अगर आपने ऐसी बना दी तो फिर ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक नहीं माना जाएगा, क्लियर है। चलिए तो डिटरमिनेंट को किससे करते हैं, दो सीधी लाइन से नोट करते हैं, ये आपने पढ़ी होगी मॉड है ना, मॉड वाला से पढ़ा ना, उसी से ऐसे ही। अब हम बात करते हैं मतलब चिन्ह है जैसे, तो डिटरमिनेंट को दो सीधी लाइन नोट करते हैं, डेल्टा या डी से आप इसको डिनोट कर सकते हो, ऐसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 4 5 6 2 3 2 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
नहीं नहीं होते थे, मतलब कि अलग अलग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यही था। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट में ऑलवेज हमेशा
नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं, ऐसे इसमें देखो कितने रो हैं, तीन रो हैं, कॉलम भी कितने हैं तीन, तो तीन रो तीन कॉलम सेम है, तो तीन बाई तीन, इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम दो बाई दो, मतलब कहने का यह है डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम चेंज नहीं होते, एक स्क्वायर होता है, समझे ना, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होती है, मैट्रिक्स में कंबर्ड हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, सॉरी डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट नहीं होते, सबसे पहला पॉइंट। ये कुछ डेफिनेशन है, कुछ प्रॉपर्टी टाइप की जो आपको याद रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना जाए और ऑब्जेक्ट में दिक्कत ना जाए। मैंने बोला फॉर्मुलेशन दो ही थी आपके, एक कॉन्सेप्ट कोफैक्टर का, एक रियल टाइम का, तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए फालतू कंफ्यूज मत करना कि सर ये सब कितना करना है कितना नहीं करना है, प्रॉपर्टी है सबको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रिंट नोट्स में आपको दे दूंगा, क्लियर है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, दो फॉर्मूले हो गए थे और ये हमारा जैसे मैंने कहा इसे नोट करते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं सेम होते हैं, वैसे मैंने कहा इसमें कितने हैं तीन रो तीन कॉलम, और डाटा हो सकता है तीन ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है तीन है, अगर ऐसे समझे ना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं क्या होता है इसका ऑर्डर होता है, उसमें भी होता था मैट्रिक्स में दो रो है तीन कॉलम है दो बाई तीन उसका ऑर्डर था, मतलब कोटि, तो कोई आपसे पूछता है इसकी कोटि क्या है तीन, भाई तुम बोल सकते हो तीन को तीन क्यों बोल रहे, क्योंकि भाई दोनों सेम होते हैं ना, इसलिए इसमें इसके ऑर्डर क्या है टू है टू है टू वगैरह, या इसकी दूसरी प्रॉपर्टी नंबर कोटि आपको ऑर्डर निकालना होगा कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी सुनते हैं, जरा मैट्रिक्स में हम सॉल्व नहीं करते थे ना, मैट्रिक्स सॉल्व ये सॉल्व होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है सॉल्व, अब सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो सीख लो आप इसका, ये मेन चीज बस आपकी है ना, अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने एक चीज आपको बताई थी डिटरमिनेंट में, उससे रिलेटेड चैप्टर है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, याद आया कुछ ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, इसका मतलब क्या था, वन वन का मतलब था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है एलिमेंट, ये एलिमेंट जो वैल्यू है आपकी उसकी पोजीशन बताता है कि कहां पर है और कहां पर नहीं है, बता ए वन वन मतलब क्या हुआ, ये यहां पर जो एलिमेंट कैसे लिए ये बताओ ए टू कहां पर है, जो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो वन 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 टू मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला वाला रो को दिखाता है दूसरा वाला कॉलम को दिखाता है, तो वन टू तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो थ्री कहां पर है पहली रो में है कॉलम कौन से में दूसरे में, तो ये एलिमेंट की पोजीशन बताता है, ठीक है, तो ये इनके नाम है ना, इनकी पोजीशन पर चल जाता है, उन्होंने बोला ए टू टू ए टू टू कहां है यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम, थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम, थ्री टू थर्ड रो सेकंड कॉलम, कॉलम दूसरा होता है फर्स्ट वाला वो होता है, ठीक है। ऑप्शन इनसे हम चिन्ह पता कर सकते हैं साइन, बताओ वन प्लस वन टू का कितना है, वन प्लस कितना टू है ना, मतलब कहने का ये है अगर आप वो प्लस करने पर इवन आता है मतलब सम आता है तो प्लस लेते हैं और आए तो माइनस लेते हैं, वन प्लस वन टू तो कह लोगे प्लस, वन प्लस टू थ्री थ्री क्या और आए तो माइनस लेते, वन प्लस थ्री फोर तो कह लोगे प्लस, टू वन थ्री हो रहा है तो माइनस, टू टू फोर प्लस, टू थ्री फाइव माइनस लेते, बस आ गई, यानी इनको प्लस करने पर इन नंबरों को प्लस करने पर अगर ऑड आता है तो माइनस लेना है, मतलब सम आता है तो माइनस, इवन मतलब सम आता है तो प्लस लेना है, थ्री वन फोर यानी प्लस, थ्री टू फाइव माइनस प्लस, आप चाहो तो याद कर सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में प्लस माइनस प्लस, कोई फर्स्ट रो थर्ड रो में भी प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट एंड थर्ड रो एंड कॉलम में क्या होता है प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या होता है माइनस प्लस माइनस, और फर्स्ट थर्ड रो कॉलम में क्या होता है प्लस माइनस, आप याद कर लेना चाहे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, याद ही तो करना भाई, वैसे देखो ना वन प्लस वन टू हो रहा है, ऐसे मैंने किया यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, मान लो मुझे नहीं पता यहाँ पाँच भी क्या है, तो आप ये देखो ना फाइव है कहाँ पर, फाइव है सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कितना वो थ्री थ्री और मतलब क्या है माइनस का, तो याद करना भी जरूरी नहीं है, याद करना रटना हुआ तरह समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है, तो ये बताओ ये कहाँ पर है, ये थर्ड रो में है सेकंड कॉलम में, थ्री टू फाइव मतलब और माइनस फाइव, आप समझे बात को,
तो ये आपने याद कर लेना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये भी आपका हो गया ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स में क्या होता है, आप रो को लिखो कॉलम में, कॉलम को लो रो में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई चेंज नहीं है, आप इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ये रो है अगर मैं इसको कॉलम बना तो कोई दिक्कत बना सकता हूँ वैल्यू करेगी सी। अब ये सॉल्व कैसे होता है देखो, ऐसे ये मैट्रिक्स है सॉरी डिटर्मिनेंट है, मैं ले रहा हूँ पहले दो ही दो है ना, ऐसे 2 5 6 7 लिया मैंने ठीक है, उसको मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की मुझको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 2 5 6 7 तो माइनस फिर इनका क्रॉस करो 7 2 6 माइनस होता है 2 by 2 का, समझ गए 2 by 2 में नहीं 2 by 2 मतलब दो रो को कॉलम बना टाट कर देते हैं, 9 2 बीच में लगाते हैं माइनस इनका है, चलो कर लेते हैं 1 - 2 4 5 कैसे करेंगे, पहले कैसे इनटू करेंगे ठीक है, 5 5 माइनस लगाते हैं बीच में 4 - 2 - 2 - 8 - 3 - 3 + 3 आंसर, बीच में माइनस लगाते हैं ये माइनस तीन वाला है बस मारे, तो ये अपना हो 2 by 2 का सॉल्व करना। अब बात करते हैं 3 by 3 की सॉल्व मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं ना, चलो 3 by 3 वाला लेते हैं, ये सॉल्व करने का तरीका होता है इसको बोलते हैं प्रसार एक्सप्रेस करना है ना, एक्सप्रेस करना मैट्रिक्स को सॉल्व एस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसका प्रसार कैसे करते हैं, प्रसार बोलते हैं सॉल्व ये क्या बोलते हैं प्रसार, कैसे का भाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 5 6 और नहीं कुछ भी नंबर कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो 7 8 9 ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया ठीक है। अब बातें आती है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब कि प्रसार कीजिए, प्रसार बोलेंगे प्रसार मतलब इसकी वैल्यू निकालिए, मान ज्ञात कीजिए ऐसा बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ठीक है, मान ज्ञात कीजिए तो लोग कैसे करते हैं, इसमें कितनी रो होता है 3 रो है और कितने कॉलम है 3 कॉलम है भाई, आप कोई सी रो कोई सी कॉलम से कर सकते हैं प्रसार मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ये 3 रो है 3 कॉलम मतलब 6 टाइप्स हो सकता है आपका, प्रसार कर सकते हो मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो या खोल सकते हो सॉल्व कर सकते हो बस ना भाई, 3 रो है 3 कॉलम है, चाहे आप पहली रो से चाहे दूसरी रो से चाहे तीसरी रो से चाहे पहले कॉलम से चाहे दूसरे कॉलम से चाहे तीसरे कॉलम से, बस आपको ध्यान रखना है साइन मतलब चिन्ह जो रहते हैं प्लस माइनस वो आपको ध्यान रखना है, वो मैंने कहा बता दी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको ये ध्यान रखना है किस रो कॉलम से आप कर रहे हो उस रो कॉलम में चिन्ह कौन से, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट रो से ये आ रहा हूँ यहाँ आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C1 है C2 है C3 है बस मांगे। चलिए तो अब मैं कर रहा मान लो किसी कर लो, चलो मैं आपसे कर रहा मान लो R1 से कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ R1 मतलब इससे कर रहा हूँ, चल मैं इससे करता हूँ तो चल धारक को क्या कर लेना है प्लस लेना है फिर माइनस लेना है फिर प्लस लेना है, ये आप चुन कर लगा सकते हैं। चलिए प्लस कहाँ पर है पहला वाला यहाँ पर है, इसको छुपा लिखा है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो जहां पर ये होता है ना वहां छुपा देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया क्या बचा ये बचा है 4 बचे ना, इनका क्या करेंगे क्रॉसिंग को भी बताया था 9 - 45 - 8 - 48 बीच में लगाएंगे माइनस लगाएंगे बीच में लगाएंगे माइनस के लिए क्या आता है माइनस, चलो अब दो कहां पर है बताओ सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सॉरी सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो फर्स्ट रो नहीं बचे क्या ये बचे इनका इंटू कर दो मतलब 36 - 7 = 42 फिर थर्ड पे आ गए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को इसका इंटू कर दो 832 - 7 = 45 चलो मैं क्वेश्चन कराऊँ तब बता दूँ आपको अच्छे से, तो ये हम क्या मैं इतना बोलना चाह रहा था कि हम कोई भी रो कोई भी कॉलम से कर सकते हैं फिर सारा एक्सप्रेस, लेकिन हमको चिन्हों का ध्यान रखना है, हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ अच्छे से जाएगा, इसको भी थोड़ा सा निगलेक्ट कर दो ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हाँ एक होता है आपका उपसारणिक, वो असमझ क्या होता है उपसारणिक यानी किसे बोलते हैं माइनर मैट्रिक्स मतलब माइनर मैट्रिक्स की क्या होते हैं, ऐसे मान लो कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स निकल जाता है वो लास्ट चैप्टर डिटरमिनेंट था तो मैट्रिक्स से आता जमा होगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूज ना
सी में ले लिया। अब सारे क्या होता है, एक समुच्चय पड़ा हुआ अपने सबसे पड़ा है, सबसे क्या होता है कोई सेट में से कुछ एलिमेंट हटा दो क्या होते हैं सबसे, इसी में से कुछ एलिमेंट में से यहाँ पर देखो ये है, आप इसमें से कोई दो कोई कॉलम गायब कर दो तो बच गया क्या हुआ साइड यानी कि साइड यानी कि माइनस। ऐसे मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया बचा गया ये क्या है ये उपसार्ड है, क्या है उपसार्ड पास में ना, इनमें अगर हम साइन लगा दें क्या लगाते हैं साइन कि कौन कौन सा बच्चा है वो बन जाता है आपका कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालना सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला इसका पढ़ा दिया, मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ा दिया देखो सी आई जे याद है माइनस वन की पावर आई प्लस जे और एम टू एम आई जे समझे। अगर मैं ये हटा दू सी आई जे मतलब होता है कोफैक्टर, सी मतलब कोफैक्टर एम मतलब माइनस, ये कोफैक्टर माइनस वो सेम ही होते हैं बस फर्क क्या है माइनस वन की पावर आई प्लस जे यानी कि साइन का फर्क है चिन्ह का, अगर हम चिन्ह लगा देते हैं तो क्या बन जाता है कोफैक्टर, चिन्ह हटा दो तो क्या बन जाता है माइनर। ऐसे वन रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाया मैंने तो यहाँ क्या था वन 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 मतलब क्या होता है प्लस होता है, वन प्लस वन मतलब प्लस आता तो प्लस करा माइनस आएगा तो माइनस करा तो बन जाता है कोफैक्टर, अगर आप साइन लगाते हैं तो कोफैक्टर साइन हटा दोगे तो बन जाएगा माइनर ठीक है। इतना फर्क है दोनों में, प्रॉपर्टी ये है इसकी डिटरमिनेंट की, पहली प्रॉपर्टी ये है देखो कि अगर डिटरमिनेंट में कोई रो कॉलम कि सभी एलिमेंट अगर क्या बन जाए जीरो, ऐसे मैंने कहा थर्ड मान लो क्या बन जाए जीरो, अगर कोई एक रो कोई एक कॉलम दे अगर सभी एलिमेंट जीरो बन जाए, देखो थर्ड कॉलम में क्या है सभी एलिमेंट जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है जीरो, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, आपको सॉल्व करना क्या नहीं क्योंकि एक कॉलम क्या है सब जीरो कॉलम के ऑल एलिमेंट क्या है जीरो तो वैल्यू क्या इसकी जीरो, या कोई रो भी होती है ठीक है कह रहा है मतलब देखो फर्स्ट रो क्या है ऑल एलिमेंट जीरो कोई रो भी जीरो तो बात ये आ रही है कि कोई एक रो या कॉलम की अगर सभी एलिमेंट जीरो हो तो साढ़े का मान क्या होता है डिटरमिनेंट का मान क्या होता है जीरो जाती है वैल्यू इसकी ठीक है। पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी होती है सॉल्व नहीं करना है ना, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर डिटरमिनेंट में कोई दो लाइन मतलब कोई दो रो या कॉलम सेम हो, डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू जीरो कर देती है, मतलब हमको सॉल्व करने नहीं है। जैसे मैंने कहा टू 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 फाइव फाइव इसमें दो रो क्या है सेम तो इसकी वैल्यू क्या हुई जीरो, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हुई जीरो, मतलब मैंने क्या बोला था कोई दो रो या कोई दो कॉलम वाला सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है बस आ गई, या फिर कोई रो कॉलम के और एलिमेंट जीरो बन जाए तो इसकी वैल्यू क्या जाती है जीरो हो जाती है ठीक है। तीसरी क्या थी कोई भी मतलब रो से कॉलम में लिख दो कोई चेंज नहीं आता, हाँ अगर कोई एक रो को दूसरे रो से चेंज करते हो ऐसे मान लो ये वाली को मैं इसे चेंज कर रहा हूँ इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट वाले को सेकंड नंबर पे तो एक माइनस रहेगा बाहर क्या जाएगा माइनस, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आता यानी कि कोई रो को एक कॉलम को आप चेंज कर रहे हो एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हो मतलब एक्सचेंज कर रहे हो तो एक माइनस आ जाता है ना उधर अगर उधर माइनस आएगा मतलब कि माइनस का चेंज रहता है और सब कुछ सेम रहता है, कोई दो रो कोई दो कॉलम समान हो तो जीरो हो जाता है कोई एक रो कॉलम के एलिमेंट जीरो हो तो जीरो हो जाता है, ये कुछ प्रॉपर्टी है ठीक है। इसके बाद और मैंने आपको बता दिया था कि जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया सेकंड का और कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल का ठीक है, तो मैं आपको इसके प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा ठीक है। एक बात डेफिनेशन वगैरह फॉर्मूले कुछ नहीं है इसमें ठीक है, क्वेश्चन है ओनली, क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन हमें आपको समझ अच्छे से आ जाएगा ठीक है। तो इसका एक ना बेसिक हो गया इसके लिए ना आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।